चैप्टर फोर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसको इस चैप्टर का दूसरा नाम फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज भी है। इन इंस्टीट्यूशंस को इंटरमीडियरीज भी कहते हैं, मतलब मिडिल मैन हो गया एक तरीके से। तो इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का रोल क्या होता है? मीन्स ऑफ रिसोर्स फ्रॉम सेवर टू इन्वेस्टर। सेवर के पास जो पैसा बचा हुआ है, सेविंग करके रखा है, यानी जनरल पब्लिक, उसको इन्वेस्टर तक पहुंचाने का ये लोग मिडिल मैन लोग काम करता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल जैसे बैंक। बैंक क्या करता है? तुम बैंक में पैसा सेव करते हो अपना, और बैंक किसी को लोन दे देता है, यानी इन्वेस्टर तक वो पैसा पहुंचा देता है। तो इनका पहला रोल है रिसोर्स को सेवर से इन्वेस्टर तक पहुंचाना। दूसरा काम, प्रोवाइड सेफ्टी एंड लिक्विडिटी एंड रिटर्न ऑफ सेविंग। तुम जो पैसा सेव करोगे उसके बदले में तुमको कमाई भी तो चाहिए, वरना तुम क्यों पैसा वहाँ पे सेविंग करके रखोगे? तो तुमको रिटर्न देता है, यानी बदले में कमाई देता है। लिक्विडिटी देता है, मतलब तुम कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हो। और सेफ्टी देता है कि तुम्हारा पैसा जनरली डूबेगा नहीं। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, थर्ड इम्पॉर्टेंट रोल। सेविंग तो स्कैटर्ड है ना, बहुत सारा अकाउंट में फैला हुआ है पैसा ऑल ओवर इंडिया, बहुत सारा म्यूचुअल फंड में पैसा लगा हुआ है ऑल ओवर इंडिया, बहुत सारा छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा हुआ है, वो सबको एक्यूमुलेट करके एक जगह लाना, इसको बोलते हैं मोबिलाइजेशन। प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ये जो इंटरमीडियरीज होते हैं, ये लोग शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म सब टाइप का फाइनेंस अरेंज करने में मदद करते हैं। कंट्रीब्यूशन इन ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि एग्रीकल्चर को जब लोन चाहिए, इंडस्ट्रीज को जब लोन चाहिए, तो ये इंटरमीडियरीज ही अरेंज करके देते हैं। यानी ये लोग देश की ग्रोथ में, इंडस्ट्रीज के ग्रोथ में, एग्रीकल्चर के ग्रोथ में एक रोल प्ले करते हैं। और ओवरऑल हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये सब करते हैं, मतलब देश का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में मदद करते हैं। तो ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, सेविंग को एक जगह लेके आना, सेविंग को इन्वेस्टर तक पहुँचाना, तुमको भी बदले में कमाई देना, लिक्विडिटी अरेंज करके देना, कंपनीज को या जिसको भी लोन चाहिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म नेचर का लोन अरेंज करके देना, यानी हर टाइप का लोन देते हैं, और जनरली एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रोथ करने में मदद करते हैं। कौन है ये इंटरमीडियरीज, इतना कुछ कर रहे हैं, कौन है ये लोग? दो डिवीज़न है इसका, टाइप्स या क्लासिफिकेशन दो टाइप का है। एक हो गया बैंकिंग इंटरमीडियरी, यानी बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और एक हो गया NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इस चैप्टर में मेनली हम लोग ये नॉन बैंकिंग को ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आप लोग जानते हो, जैसे हम बैंकिंग में लिख दिया, बैंकिंग वाले इंस्टीट्यूशंस का मेन काम क्या है? टेकिंग लोन एंड लेंडिंग द मनी, लोन डिपॉजिट लेना और लोन देना, टेकिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग द मनी, पब्लिक से डिपॉजिट लेना और लोगों को लोन देना जिनको दरकार है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें। ये लोग का काम क्या है? प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शन लिख दिया है यहाँ पे। प्राइमरी फंक्शन क्या है कमर्शियल बैंक का? एक्सेप्ट डिपॉजिट। बैंक तुमसे चार तरीके से डिपॉजिट ले सकता है, किसी को याद है वो चार तरीका? बैंक तुमसे कैसे चार तरीके से डिपॉजिट ले सकते हैं? सर, फिक्स, रिकरिंग, वेरी गुड। हाँ, फिक्स, रिकरिंग, करेंट और एक सेविंग अकाउंट। तो तुम FD करो बैंक में, तुम करेंट अकाउंट खोलो, यानी बिजनेसमैन की तरह अकाउंट खोलो, तुम सेविंग अकाउंट जैसे नॉर्मल पब्लिक खोलता है वैसा खोलो, या तुम रिकरिंग डिपॉजिट खोल सकते हो। ये चारों सबको क्लियर है कि इनके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए? जेनी दिव्यम और पवित्र सर, क्लियर है? हाँ। और अब बैंक तुमसे चार तरीके से ही तुमको लोन दे सकता है। एक तो हो गया नॉर्मल टर्म लोन, तुम 5 साल, 10 साल, 3 साल, 2 साल के लिए लोन ले लिए। दूसरा हो गया बिल डिस्काउंटिंग करवाना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और डिस्काउंटिंग पढ़ते थे, या कैश क्रेडिट। ये सबसे ज़्यादा चलन में आज की डेट में बिजनेस फैकल्टीज में, कैश क्रेडिट। और एक हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट ही सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें। हम एक छोटा सा स्टोरी बोल देते हैं कैश क्रेडिट का। तुमको 10 लाख लोन तुम लिए, तुमको बैंक बोला पूरा लोन घर लेके मत जाओ, CC अकाउंट खोल लो हमारे यहाँ, कैश क्रेडिट अकाउंट। आज के दिन में सबको वही अकाउंट खोल के रखता है, हर बिजनेसमैन ट्राई करता है कि वही खुले। CC अकाउंट में क्या हुआ, तुम 10 लाख लोन उठाए, वो लोन बैंक में ही रख दिए। अब तुमको जब दरकार है, तुम 2 लाख यूज़ किए, मान लो 2 लाख रुपया तुम 2 हफ्ता के लिए यूज़ किए,
तो तुमको 2 लाख पे 2 हफ्ता का ही ब्याज देना पड़ेगा। तो जितना रुपया तुमको पूरा लोन पे ब्याज नहीं देना पड़ा, जितना रुपया तुम विड्रॉ किए और जितने पीरियड के लिए विड्रॉ किए, केवल उतना पीरियड के लिए ब्याज देना पड़ा। लेकिन तुमको दरकार पड़ने पे 10 लाख रुपया तुम्हारे लिए रेडी है तुम्हारे अकाउंट में लोन लेने के लिए। तो ये है सीसी अकाउंट। तो 4 तरीके से बैंक तुमको लोन दे सकता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, सीसी अकाउंट, टर्म लोन या फिर बिल डिस्काउंटिंग। इन कमर्शियल बैंक का सेकेंडरी फंक्शन क्या है? पेमेंट ऑफ बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल फीस, जिसको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तुम अगर बैंक को पहले से बोल के रख दो इस तारीख को इतना रुपया मेरे अकाउंट से काट देना और इसको पेमेंट कर देना, जैसे बच्चा लोग का स्कूल फीस या इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट या कोई मेरा ईएमआई, ये सब हम बैंक को पहले से बोल के रख दें तो बैंक मेरे अकाउंट से डायरेक्ट पेमेंट कर देगा। इसके अलावा बैंक हमको और क्या फैसिलिटी देता है? लॉकर फैसिलिटी। हम अपना गहना, इंपॉर्टेंट पेपर्स, ये सब वहाँ पे लॉकर में रख सकते हैं। इसके लिए हमको एक पेमेंट करना पड़ता है। पेमेंट ऑफ सैलरी टू स्टाफ, ये बहुत बढ़िया होता है। तुम बैंक को अगर पहले से बोल दो कि मेरे स्टाफ का सैलरी अकाउंट खोल लो तुम्हारे यहाँ, मान लो जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, हम स्कूल में टीचर हैं, यहाँ 70-80 टीचर पढ़ा रहे हैं। हम एकदम जिस कंपनी में जॉब करता था वहाँ 1100-1100 एम्प्लॉयज थे, तो सबके सबको चेक काट काट के देना सैलरी में तो पॉसिबल नहीं है ना हर महीना, और सब हर एक के बैंक अकाउंट में इंडिविजुअल पैसा पहुंचाना भी मुश्किल। तो हम लोग क्या करते थे, बैंक को अब उसी बैंक में अपने सारे स्टाफ का सैलरी अकाउंट खुलवा लेते थे जिस बैंक में कंपनी का अकाउंट है, और बैंक को बोलते थे कि बैंक को वो लिस्ट भेज देते थे हर महीना केवल किसको कितना सैलरी देना है, एक वर्ड फाइल या एक्सेल फाइल में लिस्ट बना के बैंक को भेज देते थे, स्टाफ का नाम, अकाउंट नंबर और सैलरी का अमाउंट एक एक्सेल में बना के बैंक को हर महीना भेज देते थे, अटेंडेंस के हिसाब से चेक करके कि किस कितना सैलरी मिलना है ये महीना, एक डिटेल बना के भेज देते थे। बैंक तुरंत वो लिस्ट पकड़ के ऑटोमेटिकली सबके अकाउंट में मेरे अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर देता था, यानी बिजनेस अकाउंट से स्टाफ का सैलरी अकाउंट में। तो ये भी एक फैसिलिटी देता है बैंक। इसके अलावा जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, तुमको कहीं पे शेयर मार्केट का अकाउंट खुलवाना है तुम बैंक के थ्रू खुलवा सकते हो, तुमको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तुम बैंक के थ्रू कर सकते हो, तो ये सब फैसिलिटी भी बैंक देता है। और इसके अलावा सबसे बड़ा फंक्शन जो बैंक प्ले करता है कमर्शियल बैंक, वो है क्रेडिट क्रिएशन। तो ये कुछ एक फंक्शन है जो कमर्शियल बैंक करता है। हम पहले ही बोला था हम लोग बैंकिंग वाला पार्ट ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम लोगों का मेन फोकस होगा वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जिनको बोला जाता है NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, या NBFI, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसको 3 कैटेगरी में बांटा, देखो तुमको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो NBFC को देखो, NBFC का नाम ही में मीनिंग छुपा हुआ है, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन या इंस्टीट्यूशंस, वो इंस्टीट्यूशन जो बैंक जैसा काम तो करता है लेकिन बैंक नहीं है, यानी फाइनेंस का काम तो करता है लेकिन बैंक नहीं है। इसको 3 कैटेगरी में बांटा, इंडिया लेवल, स्टेट लेवल या इन्वेस्टमेंट लेवल। तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस या फिर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। अब एक एक करके पकड़ते हैं। पहले पकड़े ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनमें जनरली तुम 3 पढ़ोगे, IFCI, IDBI, ICICI। अब ICICI बैंक हो गया है, लेकिन पहले ICICI बैंक नहीं था, ICICI NBFC था, नॉन बैंकिंग की तरह बैंकिंग का काम करता था लेकिन बैंक नहीं था। तो 3 हम लोग ऑल इंडिया लेवल पे इंस्टीट्यूट पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, देखो नाम में बैंक है लेकिन बैंक का बैंक नहीं है, ये बैंक जैसा काम करता है IDBI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ICICI। ये 3 हम लोग पढ़ेंगे ऑल इंडिया लेवल पे। स्टेट लेवल में तुमको 2 पढ़ाएगा हम, SFC और KFC, ऐसा लेकिन बहुत है, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, केरला फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ऐसे महाराष्ट्र फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, ऐसे वेस्ट बंगाल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, बहुत है ऐसा, लेकिन हम लोग 2 ही पढ़ेंगे अपने सिलेबस में। और तीसरा पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन में, LIC,
जीआईसी एंड यूटीआई, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी म्यूचुअल फंड। तो तीन पढ़ने वाले इस चैप्टर में, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में तीन, स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में दो, और इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में तीन। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले आईएफसीआई। आईएफसीआई का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1948 में टू फाइनेंस लार्ज स्केल इंडस्ट्री। देखो हर एक का एक मेन मोटो होगा, इसका मेन मोटो क्या था? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को मदद करना। तो इट वॉज फर्स्ट एस्टेब्लिश इन 1948 टू फाइनेंस लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उनका मदद करने के लिए गवर्नमेंट ये डिपार्टमेंट बनाया। इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोवाइड लोन अप टू 25 ईयर्स, ये 25 साल तक का लोन देता है। प्रोवाइड गारंटी अप टू 25 ईयर्स, अगर ये तुम इनसे लोन नहीं ले रहे हो, कहीं और से लोन ले रहे हो, तो ये तुम्हारे भी हाथ में गारंटी देने का भी काम करते हैं। अंडर राइटर फंक्शन। अंडर राइटर क्या होता है? जो कंपनीज का शेयर बिकवाने का काम करते हैं उन एजेंट्स को अंडर राइटर कहा जाता है। जो एजेंट्स कंपनी का शेयर बिकवाने का काम करते हैं उन एजेंट्स को अंडर राइटर कहा जाता है। तो ये लोग अंडर राइटिंग का भी काम करते हैं। गारंटी फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर्पज। तुम अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो फॉरिन कंट्री में, वो लोग तुम पे क्यों भरोसा करें? वो तुमको पैसा क्यों दे पहले, या तुमको पहले माल क्यों दें? तो ये जो आईडी आईएफसीआई है, ये आप गारंटी देता है तुम्हारे बिहाफ में, ताकि तुम्हारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आसानी से हो जाए। गारंटी फॉर लोन इन फॉरेन कंट्री। तुमको अगर फॉरेन कंट्री में लोन चाहिए, तुमको यूरोप में लोन चाहिए, तुमको फ्रांस में लोन चाहिए, तो ये आईएफसीआई वहाँ पर भी तुमको लोन अरेंज करवाने की मदद करता है। वहाँ का बैंक को ये लोग गारंटी देता है ताकि वहाँ का बैंक तुमको लोन दे दे। लेकिन इसके लिए लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेता है पहले कि हम गारंटी दें या नहीं दें। प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज। कई एक इंडस्ट्री को प्रमोट करने में मदद करता है, मतलब आगे बढ़ने में, डेवलप करने में। प्रमोट न्यू एंटरप्राइजेस टू, नया नया इंडस्ट्रीज को भी अब ये लोग मदद करना स्टार्ट कर दिया है। काउंसलिंग ऑफ कॉरपोरेट्स। तुमको मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, देखो ये लोग सिर्फ लोन नहीं दे रहे हैं, सिर्फ गारंटी नहीं दे रहे हैं, तुम्हारे बिजनेस को आइडिया देने में भी मदद कर रहे हैं। तो तुमको काउंसलिंग करता है, तुम कहीं फंस रहा है, तुमको तुम्हारा मैनेजमेंट ठीक से डिसीजन नहीं ले पा रहा है, उनको कन्फ्यूजन हो रहा है, वो लोग आईएससीआई में जाएं, वहाँ के एक्सपर्ट्स के साथ बैठें, वो एक्सपर्ट्स तुमको आइडिया भी देगा, कोई प्रॉब्लम से कन्फ्यूजन से बाहर निकलने के लिए प्लान भी बना कर देगा। असिस्टेंस इन सेटलमेंट ऑफ टर्म एंड कंडीशन विद फॉरेन कंपनी। तुम्हारा फॉरेन कंट्री के कंट्री का कोई कंपनी है, तुम्हारा साथ डील करना चाहता है, फॉरेन कंट्री का कोई कंपनी है जो तुम्हारे साथ डील करना चाहता है, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के साथ टर्म्स एंड कंडीशन पे सेटल नहीं हो पा रहे हो, तो आईएफसीआई बीच में मिडिल मैन की तरह काम करेगा, इन फॉरेन कंपनी और इंडियन कंपनी के बीच में इंटरमीडियरी बन के दोनों का डील को सेटल कराएगा, डील को फाइनलाइज करवाएगा। मर्चेंट बैंकिंग फैसिलिटी। जब कोई कंपनी पहली बार शेयर लॉन्च करता है, जब कोई कंपनी पहली बार शेयर लॉन्च करता है, तो उसको एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना पड़ता है, तो आईएफसीआई उसका मर्चेंट बैंकर का भी काम करके देते हैं। क्रेडिट रेटिंग विथ इकरा। इकरा बोल के एक एजेंसी है, ICRA, इकरा, जिसका काम है कंपनीज को रेटिंग देना। तो क्रेडिट रेटिंग या आईएफसीआई के साथ मिलके इकरा काम करता है कंपनी को रेटिंग देने का। तो आईएफसीआई का ये सब काम है। आईएफसीआई क्लियर है? हाँ सर। यस सर। अब आते हैं आईडीबीआई पे। आईडीबीआई बना था जुलाई 1964 में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाम में ही छुपा हुआ है। इंडस्ट्री को डेवलप करने में मदद करता है, जो इंडस्ट्री लॉस मेकिंग में फंस जा रहा है उन लोगों को मदद करता है लोग। तो असिस्टेंस लाइक डायरेक्ट लोन। देखो आईडीबीआई डायरेक्ट लोन भी देता है, अंडर राइटर का भी काम करता है, गारंटी का भी काम करके देता है। प्रोवाइड फाइनेंस टू स्मॉल मीडियम एंड टीनी एंटरप्राइज। देखो आईएफसीआई किनको मेनली लोन देता है? लार्ज स्केल, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज को, जबकि आईडीबीआई स्मॉल मीडियम एंड टीनी एंटरप्राइज को भी लोन देने का काम करता है। इनका तीसरा वाला काम सबसे इंटरेस्टिंग है, रीफाइनेंस ऑफ लोन। तुम कहीं से ऑलरेडी लोन ले रखा है और वहां तुमको लग रहा है ब्याज बहुत ज्यादा है,
तुम अगर आईडीबीआई के पास जाओगे तुमको वो लोन चुकाने में मदद करेगा, यानी तुमको आईडीबीआई लोन देगा पुराने लोन को चुकाने के लिए। तुमको आईडीबीआई लोन दे रहा है पुराने लोन को चुकाने के लिए। तो रीफाइनेंस ऑफ लोन, असिस्टेंस टू डेवलप बिजनेस इन बैकवर्ड एरिया। आईडीबीआई बैकवर्ड एरियाज में जो इंडस्ट्री सेट करना चाहता है उनका सबसे ज्यादा मदद करता है। हेल्प इन टेक्निकल बिजनेस सेटअप। तुमको अगर टेक्नोलॉजी का उतना आइडिया नहीं है, तुमको बिजनेस सेटअप करने का उतना आइडिया नहीं है, तुम्हारे पास प्लान बहुत अच्छा है, तुम बहुत यूनिक आइडिया लेके आए हो, लेकिन तुम्हारे पास उतना एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है, तो वो इसमें मदद करेगा। कंसल्टेंसी सर्विस, ये सब फाइनेंशियल कॉरपोरेशन देता है। रिसोर्स प्रोवाइड टू अदर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ये मजेदार फंक्शन है। अदर जो इंटरमीडियरीज है उनको भी फाइनेंस करने का काम आईडीबीआई करते हैं। मतलब आईडीबीआई सिर्फ बिजनेस वालों को लोन नहीं दे रहा है, उनको भी लोन दे रहा है जो लोग लोन देने का बिजनेस करते हैं। प्रोवाइड सर्विस लाइक एसेट क्रेडिट फाइनेंसिंग, इक्विपमेंट लीजिंग। तुमको बड़ा बड़ा एसेट्स फाइनेंस में अरेंज करवा के देता है, मतलब ईएमआई पे, उनके ईएमआई फैसिलिटीज पे तुमको एसेट्स खरीदने में मदद करता है। और मर्चेंट बैंकिंग फैसिलिटी जनरली ये लोग सबको ही करता है। तो काउंसलिंग और कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, मर्चेंट बैंकिंग, गारंटर, अंडरराइटर, ये सब काम ये लोग सब करते हैं। तो एक्स्ट्रा क्या कर रहा है आईडीबीआई? रीफाइनेंसिंग ऑफ लोन, बैकवर्ड एरिया में बिजनेस सेटअप, टेक्नोलॉजी में तुमको मदद करना, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को लोन देना, और टीनी और स्मॉल एंटरप्राइजेस को मेनली लोन देना। ये आईडीबीआई का अलग पॉइंट है आईएफसीआई से। यहां तक ठीक है, हम आईसीआईसीआई में जाते हैं। आईसीआईसीआई सेटअप हुआ था 1955 में, तब ये बैंक नहीं हुआ करता था, तब ये एक टाइप का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हुआ करता था। इसका मेन काम क्या था? एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। देखो हर एक का मेन गोल है कुछ ना कुछ। आईएफसीआई का मेन गोल बड़े बड़े कंपनीज को 25-25 साल का लोन या गारंटी देना। आईडीबीआई का स्मॉल एंटरप्राइजेस को लोन देना, बैकवर्ड एरियाज में बिजनेस करने में मदद करना, इंटरमीडियरीज का मदद करना, ये सब काम आईडीबीआई का था। और आईसीआईसीआई का मेन काम क्या है? एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। कोई बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है, ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाना चाहता है, तो आईसीआईसीआई उसमें मदद करता है। एनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट कैपिटल। देखो आईडीबीआई, आईसीआई, ये सब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है, लेकिन आईसीआईसीआई प्राइवेट प्लेयर्स को ज्यादा मदद करता है, प्राइवेट कैपिटल में फाइनेंस करता है। एनकरेज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज, प्राइवेट कंपनीज को ज्यादा मदद करने में आईसीआईसीआई बिलीव करता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? फाइनेंस ऑफ कैपिटल एसेट, वही लैंड इक्विपमेंट खरीदने में मदद करता है, गारंटर बन के काम करता है, अंडरराइटर बन के काम करता है, कंसल्टेंसी सर्विस देता है, ये सब में कॉमन है। देखो तो ये काम आईसीआईसीआई भी करता है। फैसिलिटीज लाइक डिफर्ड क्रेडिट लीजिंग ऑफ इक्विपमेंट, मतलब लंबा लंबा पीरियड का ईएमआई पे तुमको इक्विपमेंट्स यानी मशीन्स और वो सब खरीदने में मदद करता है। तो ये काम आईसीआईसीआई का। आई होप ये तीनों क्लियर है। तो हम लोग ऑल इंडिया लेवल वाला तीनों पढ़ लिए, अब आते हैं स्टेट लेवल का। देखो एसएफसी और केएफसी दो है स्टेट लेवल पे पढ़ने लायक। केएफसी हो गया कर्नाटका फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और एसएफसी हो गया स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन 1951 में बना था। इसका भी काम है मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को मदद करना, लेकिन रेस्पेक्टिव स्टेट, यानी जिस स्टेट का एसएफसी है उसी स्टेट के इंडस्ट्रीज को मदद करेगा। अगर बंगाल का एसएफसी है तो बंगाल के बिजनेस को मदद करेगा, अगर महाराष्ट्र का एसएफसी है तो महाराष्ट्र के स्टेट को मदद कर, महाराष्ट्र के इंडस्ट्रीज को मदद करेगा। मैक्सिमम लोन अप टू 20 ईयर्स, मैक्सिमम ये लोग 20 साल का लोन देते हैं। मेनली हेल्प टू, देखो किन लोगों को मेन हेल्प करता है एसएफसी? माइनिंग इंडस्ट्री, पावर जनरेशन, होटल, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग बिजनेस, इनको मेनली मदद करता है एसएफसी। जो लोग माइनिंग का बिजनेस करते हैं, पावर जनरेशन यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का बिजनेस करते हैं, होटल्स का बिजनेस करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करते हैं, पैकिंग का बिजनेस करते हैं, जैसे मूवर्स एंड पैकर्स होता है वैसे, इन लोगों का ये लोग मेनली मदद करते हैं। ये लोग भी अंडरराइटिंग का काम करते हैं, मतलब कंपनी का शेयर बिकवाने का काम करते हैं। सेटिंग न्यू बिजनेस एंड ऑल्सो एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन, ये लोग नया बिजनेस बनाने में भी मदद करते हैं और बिजनेस को एक्सपेंड करने में भी मदद करते हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री,
छोटा छोटा इंडस्ट्रीज का बिल डिस्काउंटिंग का भी काम ये लोग करते हैं। तो ये हुआ एसएफसी। अब आते हैं केएफसी, कर्नाटका फाइनेंस, केरला, सॉरी केरला फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसका मेन मोटिव जो था स्टार्टिंग में जब ये बना था 1951 में, इसका मेन मोटिव था केरला का टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। जो लोग केरला में टूरिज्म का बिजनेस करना चाहते थे उनको मेनली ये लोन देता था स्टार्टिंग में। तो देखो इसीलिए हम पहला ही पॉइंट लिखे हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री लोन इन बैकवर्ड एरिया, लेटर टू अदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑल्सो। बाद में धीरे धीरे केरला का छोटा छोटा इंडस्ट्रीज को भी लोन ये लोग देने लगा, मैक्सिमम लोन अप टू 60 लाख एंड इन सम केसेस अप टू 3 करोड़। तो जनरली ये लोग 60 लाख तक का लोन देते हैं, कुछ केसेस में 3 करोड़ तक का भी देते हैं। ये लोग गारंटर का भी काम करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रोफेशनल्स ऑल्सो। जो लोग प्रोफेशनल फील्ड का काम करते हैं जैसे CA, लॉयर, डॉक्टर, MBA, जो लोग प्रोफेशनल डिग्री लेके प्रोफेशनल्स का काम करते हैं उनका भी मदद ये लोग करता है। तो SFC KFC क्लियर है? हाँ सर। यस सर। अब आ गया इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो हम लोग स्टेट इंस्टीट्यूशंस पढ़ लिए, ऑल इंडिया पढ़ लिए, आखिरी टॉपिक पे आ गए इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। इसमें हम लोग चार पढ़ेंगे, मेनली तीन पढ़ेंगे, LIC, GIC और म्यूचुअल फंड। पहले LIC पढ़ते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। सब जानते हैं इसको, 1956 में स्पेशल एक्ट के थ्रू बना था। ये स्पेशल एक्ट क्यों बोला गया, यानी इसके लिए पूरा अलग से लॉ बना, इसका अकाउंटिंग का सिस्टम, इसका रूल रेगुलेशन सब अलग से बना। ये देखो ये SFC, KFC इन सब को अल्टीमेटली कौन कंट्रोल करता है, RBI। ये जो तुम लोग अब तक पढ़े हो ना, ICICI, IDBI, IFCI, SFC, KFC इन सब का कंट्रोलर कौन है, RBI। लेकिन LIC अलग से खुद है, इंडिविजुअल पूरा है, पूरा ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट है इसको, कोई बैंक इंश्योरेंस सेक्टर अलग है पूरा। ये उल्टा इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल करता है। तो LIC का मेन काम क्या है, फंड फ्रॉम पॉलिसी होल्डर इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज। तुम पॉलिसी बनाए, तुम प्रीमियम भरोगे, उस पैसे को अलग अलग सेक्टर के इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना, यही काम है LIC का। लोगों को इंश्योरेंस करवा के देना, वहां से प्रीमियम कलेक्ट करना और उस प्रीमियम को अलग अलग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, स्प्रेड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर। इसका मेन रोल क्या है, लाइफ इंश्योरेंस को बढ़ावा देना। ये गाड़ी इंश्योरेंस नहीं करता, ये फायर इंश्योरेंस नहीं करता, ये मरीन इंश्योरेंस नहीं करता है, ये हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करता है, ये सिर्फ कौन सा इंश्योरेंस करता है, लाइफ इंश्योरेंस। ये मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, लोगों को सेविंग को एक जगह इकट्ठा करने में मदद करता है। सिक्योरिटी एट इकोनॉमिकल रेट, बहुत सस्ता प्रीमियम पे तुमको मैच्योरिटी पे अच्छा पैसा मिल जाता है, तो तुमको एक सिक्योरिटी मिलता है लाइफ में। एक्ट एज अ ट्रस्टी, ये तुम्हारे पैसा को कहीं डूबने नहीं देता, ये गारंटी देता है मिनिमम इतना रुपया तुमको मिलेगा ही मिलेगा। रिस्क कवरेज, आदमी मर जाए तो घर वालों को प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो उसके रिस्क को कवर करने में मदद कर रहा है। अगर आदमी का घर का इंश्योरेंस कराया हुआ है, बेरा इंश्योरेंस कराया हुआ है, जैसे कोई भी आदमी का अगर इंश्योरेंस कराया हुआ है उसको कुछ हो जाए तो उसके घर वालों को पैसा मिलेगा, यानी रिस्क को कवर करता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना, शेयर्स ऑफ द कंपनीज में इन्वेस्ट करना, इंडस्ट्रीज को लोन देना, इनडायरेक्ट सपोर्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये जो SFC, KFC, IFC, IDBI है, इन सब का भी मदद करना, इन सब का भी मदद करना। नेशनल इकोनॉमिक वेलफेयर, देश का इकोनॉमी को बढ़ावा देना। हाउसिंग लोन एट लेस इंटरेस्ट रेट, अगर कोई का LIC लिया हुआ है ना, तो वहाँ पे आपको हाउसिंग लोन भी मिल जाएगा, वो भी कम इंटरेस्ट रेट पे। तो ये सब काम LIC करके देते हैं। अब LIC का ही भाई है GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये लाइफ को छोड़ के बाकी सब इंश्योरेंस करता है, ये लाइफ को छोड़ के बाकी सब इंश्योरेंस करता है। जैसे देखो क्या लिखा है, इंश्योरेंस अगेंस्ट थेफ्ट, चोरी हो गया उसका भी इंश्योरेंस होता है। बर्गलरी, वही डाका डलना। टेररिज्म, तुमको टेररिस्ट अटैक से कुछ नुकसान हो गया। नेचुरल डिजास्टर, तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस, तुम्हारा कार इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, ये सब GIC करता है। तो LIC सिर्फ लाइफ का इंश्योरेंस करता है, GIC बाकी सब इंश्योरेंस करता है। ये पर्सनल इंश्योरेंस करता है, लाइक एक्सीडेंट, हेल्थ, तुम्हारा एसेट का इंश्योरेंस भी करके देगा। स्टॉक का भी इंश्योरेंस करवाते हैं लोग, उसका भी इंश्योरेंस हो जाएगा। ट्रांजिट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस,
तुम्हारा माल कहीं से आ जा रहा है, तो हम तुमको बोले ना मरीन इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस, ये सब भी करके देते हैं। इंडिया में टोटल 16 GIC है, टोटल इंडिया में 16 जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग वाला। प्राइवेट तो बहुत है, जैसे अभी बहुत है प्राइवेट तो, बट GIC के अंडर में 16 है। तो ये था तुम्हारा LIC और GIC। देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ GIC हम लिखा भी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। देखो GIC दोनों टाइप का, हम पहले ही बोल दिया था, प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट के अंदर में नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये एक GIC के पार्ट है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये चार मेन एग्जाम्पल है। ऐसे 16 है, हम तुमको बोला था टोटल 16 है, ये चार मेन एग्जाम्पल है। इंडिया में प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर भी है, प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस भी है, जैसे अपोलो मुनिच, बजाज अलायंस, फ्यूचर जनरल, रिलायंस, रेलिगे, रिफ्को टोक्यो, टाटा AIG, ऐसे और भी बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस इंडिया में होते हैं। अब हम आते हैं आखिरी टॉपिक पे, UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये मेनली म्यूचुअल फंड जैसा काम करते हैं, चैनलाइज पब्लिक सेविंग इन इन्वेस्टमेंट टू कॉरपोरेट्स, पब्लिक का सेविंग को कंपनी तक पहुंचाना। UTI एक प्रॉपरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो म्यूचुअल फंड्स को कंट्रोल करता है। तो इसके अब इसके अंडर में जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, चार ट्रस्टी होना चाहिए इसका बोर्ड में और एक चेयरमैन अपॉइंटेड बाय RBI। तो UTI में चार ट्रस्टी होंगे इन द बोर्ड, एक चेयरमैन होगा और इनको अपॉइंट कौन करेगा, RBI। वन ट्रस्टी फ्रॉम LIC, ये चार ट्रस्टी में से एक LIC में से होगा, एक SBI का होगा और दो अदर इलेक्टेड सब्सक्राइबर ऑफ द कैपिटल होंगे। मतलब जो चार ट्रस्टी होंगे उनमें से एक LIC और एक SBI, ये दो जगह से तो होंगे ही होंगे ट्रस्टी। इन्वेस्ट वाया म्यूचुअल फंड स्कीम, हम पहले ही बोला था UTI तुम्हारा पैसा कंपनीज में कैसे लगाता है, म्यूचुअल फंड से। किसी को आइडिया है म्यूचुअल फंड क्या होता है, आइडिया है म्यूचुअल फंड क्या होता है, बोलो थोड़ा सा। यस सर, म्यूचुअल फंड वही होता है मतलब जहाँ पे लोग एक मतलब जैसे सर शेयर्स में पैसा लगाने का होता है ना, वैसे म्यूचुअल फंड में होता सर, है। सर म्यूचुअल फंड मतलब है अगर हम पैसा लगाया, ठीक है, वही वो पैसा म्यूचुअल फंड डिफरेंट टाइप होता है, वो लोग हमारा पैसा को लगाते हैं हाँ स्टॉक्स में। वेरी गुड। देखो सीधा सा बात है, मेरे पास 10,000 रुपए है, हम चाहते हैं 15-20 कंपनी का शेयर खरीद लेकर पाएगा क्या इन्वेस्ट, हम नहीं कर पाएगा क्योंकि 10,000 रुपए बहुत छोटा रकम है। आज रिलायंस का एक शेयर खरीदने जाओ 2,500 रुपया लग जाएगा एक शेयर का, टाटा का एक शेयर खरीदने जाओ 3,3,3,850 रुपया कुछ लग जाएगा। तो हम तो ऐसे करते तो मेरा दो ही शेयर हुआ, 6,000 रुपया खत्म हो गया। तो ऐसे तो नहीं होगा ना कि हम 15-20 कंपनी में लगा पाएगा। अब प्रॉब्लम दूसरा भी है, हम 15-20 कंपनी में अगर पैसा लगा भी दिया, हम हर समय सब पे नजर रख पाएगा क्या, कौन अप कौन नहीं? नहीं, भाई हम तो नौकरी कर रहे हैं, तो कहीं बिजनेस कर रहे हैं, तो कुछ काम धंधा कर रहे हैं, तो खाली शेयर मार्केट में नहीं बैठे। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, ऐसे बहुत लोगों का पैसा एक जगह इकट्ठा करता है। अब मान लो 10,000 करके 100 लोगों का पैसा हुआ तो कितना रुपया हुआ, 10 लाख। तो 10 लाख रुपया अगर बहुत सारी जगह लगाया जा सकता है आराम से, प्लस वो लोग के पास एक्सपर्ट भी होता है, कमाई भी हो, प्लस वो लोग के पास एक्सपर्ट भी, और वो लोग एक काम और करता है, तुम अगर लगाओगे पैसा, मान लो तुम अगर तुम्हारे पास 50,000 रुपये है, तुम हो सकता है खाली मेडिकल कंपनी में पैसा लगा दिए, हो सकता है ना खाली पावर इलेक्ट्रिसिटी वाले कंपनी में पैसा लगा दिए और वही डूब गया, तो और वही डूब गया अचानक। तो मान लो तुम आज रात को, तुम आज शाम को मेडिकल कंपनी में पैसा लगाए और कल सुबह ही गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि जितना मेडिसिन है सब पे बैन, तुम तो बर्बाद हो जाओगे एक बार में, शेयर मार्केट धाम से गिरेगा मेडिकल का। तो तुम एक साथ बहुत कंपनी में पैसा नहीं लगा सकते, एक प्रॉब्लम। दूसरा, तुम्हारे पास फंड छोटा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम, तुम एक साथ बहुत कंपनी पे नजर नहीं रख सकते और रिस्क भी बहुत बड़ा है क्योंकि तुम जनरली एक ही सेक्टर में पैसा लगाओगे। म्यूचुअल फंड क्या करता है, बहुत सारे लोगों का पैसा एक जगह इकट्ठा करता है और उसको अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा पैसा कपड़ा का इंडस्ट्री में, थोड़ा पैसा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इंडस्ट्रीज में, थोड़ा पैसा मेडिकल इंडस्ट्रीज में, थोड़ा पैसा IT कंपनीज में। तो ऐसे करके वो इतना डाइवर्सिफाई कर देता है, वो लोग पोर्टफोलियो बनाता है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग क्या करते हैं,
पोर्टफोलियो बना लेता है, एक बकेट बनाता है, बास्केट, और अलग अलग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे कि रिस्क भी कम। एक साथ सारा सेक्टर तो डूब नहीं जाएगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगले एक महीना में इंडिया में मेडिकल सेक्टर भी डूब गया, आईटी सेक्टर भी डूब गया, और क्या बोलते हैं कपड़ा का सेक्टर भी डूब गया, और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडस्ट्री भी डूब गया। ऐसा हो सकता है क्या एक ही बार में सब सेक्टर डूब जाए? हो तो सकता है ये होने को, बट ऐसा चांस कम होता है ना। तो ये लोग क्या करते हैं ना, इतना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं कि एक डूबे तो दूसरा बैलेंस होकर रिस्क को कवर कर ले। अफगानिस्तान जैसे डूबा था ऐसे डूबा, वो अलग बात है, वो तो बोल ही रहे होने को तो कुछ। अब हर्षद मेहता जैसा जब कांड हुआ था बेटा, तब तो एक ही साथ सारी सेक्टर डूबे थे, सभी गिरे थे धड़ाम से, तब वो तो कंट्रोल ही कर रहा था जो भी है, गिरे तो सब ना, तो पब्लिक को तो कोई कितना भी डाइवर्सिफाई किया होगा वो तो वहां बर्बाद ही हो गया। तो 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, ऑलमोस्ट सारे सेक्टर एक बार में डाउन हो गए थे, तो फिर तो वैसा सिचुएशन तो एक्सेप्शनल है। बट जनरली ये लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा सेविंग पब्लिक से लेके बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, प्लस इनके पास एक्सपर्ट्स का टीम होता है जो हर सेक्टर को पहले स्टडी भी करता है। तो ये लोग म्यूचुअल फंड की तरह, और तुमको उस कंपनी का एक म्यूचुअल फंड पकड़ा दिए, तुम 10,000 रुपया दिया, तुम एक म्यूचुअल फंड खरीद लिया। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं रिलायंस का, तुम रिलायंस का एक म्यूचुअल फंड खरीद लिया, अब रिलायंस का म्यूचुअल फंड तुम्हारे पैसे को 10 जगह इन्वेस्ट कर दिया, तो तुम्हारा पैसा सेफ, जनरली रिस्क कम हो गया, एक ठीक ठाक कमाई भी मिल गया, और तुम्हारा इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग पोर्टफोलियो में हो गया। तो ये लोग में चार ट्रस्टी होते हैं, एक चेयरमैन अपॉइंटेड बाई RBI, ट्रस्टी में से एक ट्रस्टी LIC का, एक SBI का, बाकी दो इलेक्टेड मेंबर्स। ये लोग म्यूचुअल फंड स्कीम के थ्रू पैसा लगाते हैं, एंगेज इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस, स्टॉक ब्रोकिंग एंड कंसल्टेंसी। इनका मेन काम क्या है, स्टॉक ब्रोकिंग करना, कंसल्टेंसी करना, ये सब। स्टिमुलेट सेविंग ऑफ लो इनकम ग्रुप, हम बोला ना ये कम इनकम ग्रुप वालों को मदद करते हैं। इन्वेस्ट इन रैपिड ग्रोइंग इंडस्ट्री, इनके पास एक्सपर्ट का टीम होता है जो पढ़ लिख के अंदाजा लगाते हैं कि कौन सा कंपनी कितना ग्रोथ कर सकता है, और उसके हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। पेमेंट डिविडेंड टू यूनिट होल्डर, तुमको टाइम टू टाइम डिविडेंड देते हैं, मतलब तुम्हारा कमाई भी हो गया, और टैक्स एग्जम्पशन भी मिलता है। तुम म्यूचुअल फंड खरीदोगे ना, तो उससे जो कमाई आएगा उस पर टैक्स भी नहीं लगेगा। हाई लिक्विडिटी, तुम जब चाहो बेच के निकल जाओ। डिसएडवांटेजेस क्या है, नो राइट टू अटेंड द मीटिंग। तुम अगर खुद कंपनी के शेयर में पैसा लगाते तो तुम उस कंपनी का मीटिंग अटेंड कर सकते थे, उस कंपनी में समझ सकते थे उस कंपनी के बारे में, लेकिन जब म्यूचुअल फंड खरीदते हो तुमको नहीं पता कहाँ कहाँ तुम्हारा पैसा लगा, तो तुम उन कंपनीज के बारे में तुमको कोई जानकारी नहीं लग रहा। आखिरी शॉर्ट नोट, NBFC क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। कंपनी रजिस्टर्ड विद RBI प्रोवाइड फंक्शंस ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन एक्ट एज अ कंपनी। NBFC एक कंपनी है, NBFC एक कंपनी है जिसका काम है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की तरह काम करना। बैंक का मेन काम क्या है, लोन देना, डिपॉजिट लेना, NBFC भी वही काम करता है, लेकिन वो बैंक नहीं है, एक कंपनी की तरह काम करता है। मतलब एक कंपनी जो बैंक नहीं है लेकिन बैंक जैसा काम कर रहा है। देखो इसका फंक्शन क्या है, एबल टू अट्रैक्ट हाई डिपॉजिट फॉर मैक्सिमम 2 ईयर्स एंड प्रोवाइड अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाई डिपॉजिट जमा लेता है, तुमको अच्छा इंटरेस्ट रेट देता है। लोन फॉर होलसेल एंड सेल्फ एम्प्लॉयड स्कीम्स, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बिजनेस करते हैं उनको लोन देने का काम करता है। प्रोवाइड लोन विदाउट सिक्योरिटी, NBFC का सबसे बड़ा यही फायदा है, तुमको लोन मिल सकता है बिना गारंटी रखे भी, बिना सिक्योरिटी या बिना मॉर्गेज रखे भी। इन्वेस्टमेंट इन हाई रिस्क वेंचर, लेकिन लोग हाई रिस्क वेंचर में इन्वेस्ट करते हैं जहां पैसा डूबने का खतरा भी बहुत है। तो ये था पूरा का पूरा ये चैप्टर।